Excuse me. सनम आप मुझे अपने डिटेल्स बता दीजिए, ये फॉर्म मैं भर देता हूँ। आपके अब्बू का नाम? जी मरहूम। वकील साहब हमें याद आया, वो आप हमें मकानों की लिस्ट देने वाले थे ना, आप हमें समझाने वाले थे ना कि वहाँ कौन कौन रह रहा है, सब कुछ कैसा चल रहा है। हाँ वो जी वो लिस्ट है मेरे पास। हाँ अरे सनम बेटा तुम ये फॉर्म खुद भर लो, हमें वकील साहब से कुछ जरूरी बात करनी है। जी हो गया। वकील साहब अब तो आपकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई ना, कुछ बाकी तो नहीं रहा? जी सब ठीक है। ठीक है तो हम चले। हाँ जी चलिए वकील साहब। जी सनम बेटा घर का ख्याल रखना, ठीक है? अरे हाँ ये लो बेटा, लो। देखो बेटा कुछ दिनों बाद तो तुम्हें ही सब कुछ संभालना है ना, तो शुरुआत अभी से करता हूँ, ठीक है? आइए वकील तुम इस वक्त नहा रही थी। अरे क्या करूं, एक पागल मिल गया था रास्ते में, अपनी बाइक से सारा कीचड़ मेरे ऊपर डाल दिया। खैर जाने दीजिए, छोड़िए। मैंने तुम्हें एक सरप्राइज के बारे में बताया था ना? वो आ गया। कौन? मेरी दुनिया, मेरा जगर का टुकड़ा, मेरा सब कुछ। अरे मेरा भाई, वो आ गया है। चलो मैं तुम्हें मिलवाता हूँ, चलो। अरे आइए संभल के। मैंने कहा ना, ये ऐप मुझे दे दे, ये फरेब मुझे दे दे। बहुत
कीचड़, तेरा गुजरा हुआ कल फिर से तेरे सामने आएगा और फिर वो तुझसे हिसाब मांगेगा। तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता तुझे। तूने गुनाह तो कर लिया, अब तेरी सजा की बारी है, कोई नहीं बचा सकता। सिक्योरिटी, कोई नहीं बचा सकता तुझे। सिक्योरिटी, कोई नहीं बचा सकता। तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। चलो, कोई नहीं बचा सकता तुझे बाबा। कोई नहीं बचा सकता। आइए बाबा, आप चलिए। कोई नहीं बचा सकता तुझे, कोई नहीं बचा सकता। तेरी आंखों में सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। तुझे एक ऐसे हकीकत का पता चलेगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तेरी जिंदगी बदल जाएगी, अपनी आंखें खोल के देख। बाबा यार, बहुत जल्दी तुझे एक राज का पता चलेगा, बहुत जल्दी तुझे एक राज का पता चलेगा। हाय अल्लाह, कौन थे बाबा? कितने अजीब थे, कैसी बातें कर रहे थे? फैज, इनसे मिलो। हया, इधर आओ तुम। भाई ये वही लड़की है जिसकी वजह से मेरे हाथ में पट्टी आई है। और एक बात होता है, ये पागल इस घर में कर क्या रही है? अरे ये वही पागल है, अभी मैं आपको कमरे में बता रही थी ना, ये वही है जिसने मेरे ऊपर कीचड़ उछाली थी। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये क्या गंदे गंदे इशारे कर रही है मेरे भाई को? आप मेरी बात सुनो, आप इसकी बात मत सुनो, पागल है तो। तेरी तो ऐसी की तैसी। एक मिनट, बात क्या है? अरे भाई आप कुछ नहीं जानते, ये पागल है ना, ये पागल लड़की रास्ते के बीच में खड़ी होकर आराम से ठंडी ठंडी हवा ले रही थी, जैसे कि रोड की साइड हो तो हवा आती नहीं है। भाई आप मानोगे नहीं, मैं बार बार है ना लगातार बेचारे की तरह हॉर्न पे हॉर्न मारे जा रहा था, लेकिन ये है ना कि वहां से टस से मस्ती हुई, बीच में रोड के ऐसी खड़ी थी जैसे सड़क इनके अब्बा हुजूर की हो। तुम समझ नहीं रहे हो, उसने नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुना होगा? अरे माशाल्लाह भाई, इनके कान तो देखिए कितने मोटे मोटे कान है, और आप बोलते सुना नहीं होगा। भाई मैं इतनी जोर जोर से हॉर्न बजा रहा था कि दिल्ली में मेरे हॉर्न की आवाज गई होगी और लोग हट गए होंगे। और क्यों नहीं सुना इन्होंने? क्योंकि क्या भाई? वो सुन नहीं सकते और वो बोल भी नहीं सकते। या अल्लाह, मुझे लगा कि ये हाथ हिला हिला के मुझे चिढ़ा रही थी। चलो अच्छा है, तुम लोग एक दूसरे को जान तो चुके ही हो, मैं तुम्हारी पहचान करा देता हूं। फैज, ये हया। हया, ये है फैज, मेरा भाई। हाय। हया, आई एम सॉरी, प्लीज
मुझे माफ कर दो। दैट्स ओके, मैंने तुम्हें माफ किया, माफ किया मैंने तुम्हें। और वैसे भी क्या है ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, सो जस्ट चिल। सो फ्रेंड्स, look at her face. Yes, yes, come on, last dushman, birdie. Come on. Last dushman. Ja rahe hai, yes, almost there, man. Yes. Almost. Bhai, ye kya kiya? Bhai, main abhi sare dushman khatam karne wala tha na. अपने सारे दुश्मन अपने कमरे में जाके खत्म करो। भाई मेरा कमरा मतलब? मतलब कि तुम्हारा कमरा तैयार करा दिया गया तुम्हारी पसंद के हिसाब से। या अल्लाह, ये देखो मेरा भाई बदल गया। भाई बहुत अफसोस है मुझे, लेकिन एक बात कहूं भाई, जो भी तुमने मेहनत की है, पसीना भाई, वो सब फालतू में, क्योंकि भाई मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला। मैं तो यही सोऊंगा अपने क्यूट से स्ट्रॉन्ग से भाई के साथ। लेकिन भाई अब यार एक बात तो बताओ, मतलब मैं आज ही आया हूं और तुम आज ही मुझे अपने आप से दूर करना चाहते हो। भाई क्यों? भाई कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारे दिल में मेरी जगह किसी और ने ले ली है? और भाई अगर ऐसा है भी ना, तो मैं सच कह रहा हूं, मैं तो उस दुश्मन को ही मार दूंगा, क्योंकि मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। प्लीज फालतू बोलेगा ना, एक पंच मारूंगा, समझा? मुंबई जाके ज्यादा ड्रामेबाज हो गया। ड्रामेबाज? अब भाई क्या है, ड्रामा करना तो मेरा काम है ना। भाई मैं फिलहाल ड्रामा नहीं कर रहा, ये इमोशंस है ना, दिल के इमोशंस है, वो हार्ट टू हार्ट फीलिंग, वैसी वाली फीलिंग है भाई। राहत भाई
चाहे मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं आपकी जान हूं और हमेशा मैं आपकी जान ही रहूंगा। मैं जानता हूं कि आप मुझसे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इसीलिए तो मैं उसका फायदा भी उठाता हूं। वो तो है, तू मेरी जान भी मांगेगा ना, वो भी भेज दे दूंगा। सो इसी बात पे लेट्स बी फ्रेंड्स। आसमा बेटा, सुनो तो, थोड़े प्याज और मिर्ची के पकोड़े और तल दो। जी। और सुनो बेटा। जी। पकोड़ों के बाद जरा शीर कोरमा भी बना लेना। हाँ जी। वाह, मजा आ गया। या अल्लाह, रहम कर हमारी आसमा पर। बेचारी अभी तो इस घर की बहू बनी भी नहीं और ये भुखड़ खाला अपने सास होने के तेवर दिखा रही है। क्या पता निकाह के बाद तो शायद कच्चा ना खा जाए। खाला, जुआ के साथ साथ ना थोड़ा फिगर का भी ख्याल रख लिया करो। अब इतना तेल खाओगी तो मेरे जैसा फिगर कैसे बनेगा। ऐसे खैर, इस उम्र में फिगर का क्या काम। मैं तो हुई छुई मुई। खाइए खाइए आप। क्या कर रहा है? कीड़ा है। हाँ कीड़ा है। सर पे अरे निकालो कीड़ा को, निकालो। या अल्लाह, इतना बड़ा बड़ा कीड़ा है। आसमा, थोड़ी सांस भी ले लो। मैं कब से देख रही हूँ कि तुम काम किए जा रही हो, अब थोड़ा आराम कर लो। शुक्रिया लतीफ, पर इतना सारा काम पड़ा है और अभी तो बिल्कुल आराम नहीं कर सकती। और मैं सच में चाहती हूँ कि सबका अच्छे से ख्याल रख सकूं ताकि मैं एक अच्छी बहू बन सकूं। मत मारो मुझे प्लीज मत मारो। डोंट हिट मी प्लीज। आहिल, आप ठीक है ना? मत मारो मुझे। क्या हुआ? प्लीज छोड़ के मत। मुझे छोड़ के मत। कोई नहीं है यहाँ पे। अब ठीक है, आप घबराइए मत। आप क्या हुआ? ये हटिया, यहाँ कोई नहीं है। प्लीज मार दे मुझे, छोड़ के चलिए। अचानक क्या हो गया? इतना क्यों घबरा गए?